अब अपना प्रयोग आता है मालिश, मतलब प्रयोग है और लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि लोग सालों साल मालिश नहीं करते और कई लोग तो मालिश वाले पे डिपेंड करते हैं, अरे यार वो मालिश वाला नहीं आ रहा, मालिश वाला नहीं मिलती है, महिलाओं की समस्या की मालिश वाली भाई नहीं मिल रही है, मालिश वाला पुरुष नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम गाड़ी को हर 2-3 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, 2 साल में कराते हैं, हर 2-3 महीने में कराते हैं, तो हमको नियम बनाना है कि जब भी चाहे मिले संडे को तेज से अच्छी मसाज करें। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है कि जो लोग मालिश करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, जवान ही मरते हैं, मतलब 80 साल में मरेंगे तो जवानी जैसा मरेंगे, मतलब उनकी उम्र क्या होती है, जितनी भी उम्र है वो जवानी की उम्र रहती है, बुढ़ापे की नहीं रहती। और आजकल सब देखते जवानी भी बुढ़ापा आ रहा है ना, 80 साल तो दूर की बात है। मेरा आपसे ये कहना है कि आप जवान रहना चाहते हैं तो रोज मालिश नहीं कर सकते हैं, तो रोज घर्षण स्नान कर सकते हैं, सही बात है, मालिश का प्रयोग है। और सप्ताह में एक दिन एक नियम बना ले कि हम मालिश करें। तो मालिश का क्या तरीका रहेगा कि हम तेल लेंगे प्रकृति के अनुसार, अभी मौसम कौन सा है ठंडा तो सरसों का तेल लेंगे, गर्मी के मौसम में कौन सा लेंगे दिल्ली का या खोपरे का, और ज्यादा पैसा हो पॉकेट अच्छी भारी हो तो आप बादाम का ले लीजिए, जैतून का ले लीजिए, है ना, तो जो तेल आपको उचित लगे वो ले लीजिए, ठीक है। तेल ले लिया उसके बाद तेल को लेकर पूरे शरीर पर हल्का हल्का लगा लीजिए, एक बार पूरा शरीर को तेल पिला लीजिए, आपकी जो साथी है उसकी मदद ले लीजिए, वो आपकी पीठ पे तेल लगा दे, सिर्फ इतनी देर सिर्फ पीठ पे तेल लगाने की बात है, पूरे शरीर पे आपको लगा, पूरे शरीर को लगा देते, ठीक है, उसने तेल लगा लिया, उसके बाद नीचे से ऊपर, ठीक है, पीहा ऊपर, पीहा ऊपर, पैरों में नीचे से ऊपर, तलवों पे भी अच्छे से मालिश करके मसाज कर सकते, पेट पे गोलाकार, हार्ट पे से ऊपर, हाथ पे से ऊपर, चेहरे पे से ऊपर, इस तरीके से मसाज करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आपको मजा आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि लोगों से बात तो सर तेल तो सूख जाता है, तो मेरा अपनी त्वचा की प्यासी जिसको तेल ही थी, मेरा बस जूते को चमकाते कीवी शू पॉलिश से और शरीर को तेल लगे, त्वचा रूखी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर रूखी हो जाता है। उससे सबसे बड़ी बात वो कि जब हम मालिश करते हैं तो त्वचा तो प्यासी उसकी मिटती है पर उसके साथ साथ हमारे अंग भी मजबूत होते हैं। आप यदि अक्सर हमने देखा है किसी को आमतौर पर किसी की कोहनी दुख रही है, किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की पीठ दुख रही है, किसी की पीठ दुख रही है, तो बुढ़ापा क्यों आ रहा है, तुम बता सकते हैं, बुढ़ापा इसलिए आ रहा है कि हमारी मसल्स कमजोर हो गई। इस बात को मैं कहता हूं कि हमारे दिमाग का प्लास्टर क्या हो गया है, कमजोर बढ़ गया है, दिमाग में कभी भी आप टूट जाएगी। तो दर्द से रिश्ते से मुक्त पाना है तो क्या करना पड़ेगा, तेल से मालिश करना पड़ेगी ताकि आपका प्लास्टर मजबूत होगा, और जब प्लास्टर मजबूत होगा दीवार जाएगी क्या, कई साल नहीं जाएगी, और जिसका प्लास्टर कमजोर है दीवार 4-5 साल में जाने वाली। आप चाहते हो आपका शरीर 100 साल तक साथ दे, उस पर क्या करना पड़ेगा, मालिश करना पड़ेगी, और ज्यादा नहीं तो पहले सेंटे नियम बनाना है, पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं, पति से कोई पीठ में मसाज कर हल्की से वो कर देगी, आप उसको करो और अपने शरीर को पूरे शरीर को 80-90% को आप करो, और यदि किसी घर में कोई नहीं हो तो अपनी फ्रेंड मसाज करेंगे, ठीक है, लोग 1000 रुपये मसाज के लिए देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कोई नहीं पाती, तो आप एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं, आप इस तरीके से अपने आप को दिन खूबसूरत बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। सरसों का तेल रहेगा ठंड में, गर्मी में रहेगा खोपरे का या दिल्ली का, और कॉफी यदि ज्यादा अलाउड करती तो जैतून का बादाम के तेल भी कर सकते हैं, ये गाय के घी की भी कर सकते हैं। तो मालिश को प्रश्न जिसे उन्होंने कहा कि मालिश में डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर टूवर्ड्स हार्ट और पेट पर जोड़ों पर गोला पर, और मैं आपसे वादा करता हूं यदि आपने मालिश की तो आपके घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द कुछ नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन में मजबूती आएगी, आपका लीवर मजबूत होगा, आपका हार्ट मजबूत होगा, आपकी सब चीज बढ़िया हो जाएगी। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो भगवान सब चीज फ्री में दे रहा है, पर हमको क्या चाहिए, हम लेना नहीं चाहते, हम टाइम लेना नहीं चाहते। यदि हमने थोड़ा सा अपने शरीर को समय दिया तो आप 24 घंटे उससे मस्ती ले सकते हैं, 24 घंटे गाना गाते रहेंगे, दर्द का गाना प्यार का लगभग ही दर्द का रिश्ता है जीवन। तो यदि आपको जिंदगी में आनंद का भाव लेना बातचीत है, जिंदगी में आनंद का भाव लेना है तो 1 घंटा अपने शरीर को देना है, तो 23 घंटे मधुर संगीत बजेगा, किसका, मस्ती का और जवानी का, जीवन भर थोड़ा सा जवानी है।